ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य, खासकर आधुनिक हिंदी साहित्य छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी में सबसे प्रथम सर्ग चिंता सर्ग का सारांश आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब चिंता सर्ग की विशेषता के साथ साथ सबसे पहले क्या हुआ देखेंगे। प्रलय में विनाश होने पर भी मनु एकाकी जीवित रह गए। अतीत वैभव के विनाश और चारों ओर प्रलय का दृश्य देखकर मनु के मन की जैसी स्थिति संभव है उसी का इस सर्ग में वर्णन किया है। मानव वर्तमान संकट में पिछले सुखों का संस्मरण करता है और भविष्य के विषय में अनिश्चितता सोचता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन की स्थिति का विश्लेषण करते हुए इस सर्ग का नामकरण चिंता किया है। सबसे पहले हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। देखिए, अब हिमालय पर्वत की बहुत ऊंची चोटी पर जिसका नाम ब्राह्मण ग्रंथों में मनोरव सर्पणम दिया है, कोई व्यक्ति किसी कार्निश की भांति उठी हुई चट्टान की ठंडी छाया में बैठा हुआ आंसू भरी आंखों से नीचे बहती हुई प्रलय कालीन जलधारा को एकटक देख रहा था। इसमें देखिए, सबसे इस पद की व्याख्या के साथ साथ इसमें ये भी देखिए, प्रलय हम सब जानते हैं, भारतीय शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उस घटना को कहते हैं जो कि एक निश्चित समय पर घटती है जिसमें सृष्टि का अंत हो जाता है और केवल पानी ही पानी सब और फैल जाता है। और मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार इसी को कयामत और अंग्रेजी में डूम्सडे भी कहते हैं। पर्वत शिखरों पर बोधा ऐसा होता है कि एक ओर धूप निकली होती है, दूसरी ओर भारी वर्षा। इस कारण उस व्यक्ति को चट्टान की ठंडी छाया में बैठना पड़ा। देखिए, यहाँ बीजे नयनों से कहने से इसका अर्थ यह है कि यह सूचित होता है कि उस व्यक्ति को उस प्रलय के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी। एक पुरुष काव्य के नायक मनु के लिए कहा गया है। मनु मन्वांतर के प्रमुख शासक की उपाधि है। पुराणों के अनुसार मन्वांतर चारों युगों के 72 बार बीतने के समय को कहते हैं जिस समय का यह वर्णन है। उस समय मनु प्रलय में सब कुछ खो चुके थे। सृष्टि के विलय के कारण वे उस समय मनु के पद पर नहीं थे। उनका अस्तित्व एक साधारण सामान्य व्यक्ति का सा रह गया है। और इस चिंता सर्ग में पहला पद काव्य में आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण ना होकर वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। और आगे जिस प्रकार सर्ग में और क्या क्या पद है हम देखें। नीचे जलता ऊपर हिमता एक तरलता एक सगन एक तत्व की ही प्रधानता उसे कहो जड़या चेतन। देखिए, जिस स्थान पर मनु बैठा था उसके नीचे पानी बह रहा था, ऊपर पर्वत शिखर पर बर्फ जमी हुई थी। पानी द्रव या तो इससे बर्फ जमकर ठोस हो गई थी, किंतु दोनों में एक ही अप तत्व मुख्य रूप से वर्तमान था। भले ही हम उसे जड़ या बेजान कहें अथवा चेतन या सजीव कहें,
पानी या हिम की हिम यह उपाधि सिर्फ वेद मात्र था। यहां कवि जयशंकर प्रसाद जी दार्शनिक दृष्टिकोण का आश्रय लेकर दोनों का अभेद बता रहे हैं। आमतौर पर गतिहीन पदार्थ को जड़ या स्थावर कहते हैं तो और गतिशील को चेतन। वस्तुतः चेतन तो सजीव पदार्थ है। पानी में गति होने पर भी उसे चेतनायुक्त नहीं माना जा सकता है, परंतु शैव दर्शन के अनुसार शिव की शक्ति से भौतिक पदार्थों में स्पंदन होता है। पुनः जड़ चेतन वेद के आवास मात्र माना जाने से एकमात्र तत्व शिव की वास्तविक स्थिति रह जाती है, उनको जड़ कहा नहीं जा सकता। कबीर ने जगत और ब्रह्म की एकता पानी और हिम के दृष्टांत से भी प्रतिपादित किया है। यहां देखिए इस सर्ग में और आगे क्या हुआ देखेंगे। दूर दूर तक विस्तृतता हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नेरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। देखिए जिस प्रकार मनु का मन उस समय सर्वता चेष्टा रहित सुन्न सा हो रहा था, उसी प्रकार ठोस बनी हुई बर्फ चारों ओर फैली थी। इस कारण सब कुछ सफेद दिखाई देता, वहां छाई निशब्दता के समान फैली उस चट्टान के निचले भाग से वायु टकरा कर चला जाता था। देखिए यहां कवि का कहना यह है कि बहुत ऊंचाई पर जाकर वायु भी नहीं चलती है, पवमान के शिला के चरण से टकराने से सूचित होता है कि वह आकाश में बहुत ऊपर उठी हुई थी जिससे हवा तक नहीं पहुंचती थी। आगे देखिए, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। देखिए यहां मनु इस प्रकार शांत और चुपचाप बैठा था, अर्थात कोई नव युवक तपस्वी हो और देवताओं के उस मशान को सिद्ध कर रहा है, उसके नीचे प्रलयकालीन उमड़े सागर की लहरों का शोचनीय अंत हो रहा था। इसका मतलब यह है कि लहरें उठती और तट पर आती जाती विलीन हो जाती थी, और जिस प्रकार उस पुरुष का शरीर लंबा था वैसे ही दो चार लंबे लंबे देवदारु वृक्ष उसके आसपास खड़े थे। चारों तरफ बर्फ लगी होने से वे भी बर्फ की ही भांति सफेद हो उतनी हवा चलने पर भी वे तनिक भी हिलडुल नहीं रहे थे, ऐसे निश्चल ये मानो पत्थर बनकर अड़ गए हो या सर्दी में अकड़ गए हो। देखिए वृक्ष पत्ते आदि बहुत समय तक पानी में पड़े रहकर बाद में पत्थर बन जाते हैं, भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है ये। पुनः उनके सर्दी से अकड़ जाने की कल्पना से उनमें सजीवता संभावना की है। बंदी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतना उतर चलाता वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। देखिए अब आगे चिंता में क्या हो रहे, जहां मनु बैठा था उससे कुछ दूरी पर वही नाव जिससे मनु ने प्रलय में आत्मरक्षा की थी एक बड़े बारी बड़े वृक्ष के साथ बंधी हुई थी और अब बेकार होने के कारण सूखी भूमि पर पड़ी थी। यहां देखिए और ऐसे यहां हमको संदेह आ जाते हैं कि अब चारों ओर प्रलय का जो पानी फैला हुआ तो वहां सूखी भूमि कहां से आ गई थी। इस प्रश्न की संभावना उसका उत्तर ये देना चाहते हैं कि अब वो बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा था, इससे
जो पानी में डूबी हुई पृथ्वी बाहर आने लग गई थी। इसके इस प्रकार कवि आगे और बता दे, देखिए, वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मत वाली। देखिए, वो चिंता की पहली लकीर, चिंता के आरंभ, तू इस संसार रूपी जंगल में रहने वाली सर्पणी है। जिस स्थान में सांप रहता हो वो जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब मानव को चिंता घेर लेती है तो उसका जीवन भी सुखमय नहीं रहता। तू ज्वालामुखी पर्वत के पहली बार फटने पर होने वाले भयंकर भूचाल के समान उत्पात मचाने वाली है। यहाँ मनु का उद्देश्य यह है कि पहली बार मेरे जीवन में चिंता का आगमन हुआ, परंतु उसके आने से यह सारा जगत ही उनके लिए भयदायक सा हो गया है और उसने आकर अंतर में भारी हलचल उत्पन्न कर दी है। और आगे आगे बताते हैं चिंता को मतवाली का, मतवाला मतलब मस्तिष्क की विकृति के कारण या मादक वस्तु का सेवन करने से होता है। दोनों के कारण और कारणीय और अकारणीय का विवेक नहीं रहता है। मतलब इससे क्या होता है कि जब एकदम नशे में डूब जाते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना पता चलता है। इसलिए ज्वालामुखी फटने से भूचाल से नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार चिंता भी जीवन नष्ट कर देती है। यहाँ और बताते हैं आगे, देखिए, अब धीरे धीरे चिंता कैसे बढ़ रही है। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की कल लेखा, हरी बरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। अरे अभाव से उत्पन्न चंचल लड़की, तू मस्तक की दृष्ट या अमंगलमय लकीर है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मस्तक पर होने वाली लकीरें मनुष्य के सौभाग्य या दुर्भाग्य की सूचक होती हैं। चिंता के कारण मनुष्य का जीवन रसहीन हो जाता है, इसलिए वो अशुभ होती हैं। चिंता के कारण मस्तक पर टेढ़ी लकीर भी पड़ती है। उस अर्ध में टेढ़ी के अर्ध में कल शब्द का प्रयोग वक्रतापूर्ण होगा। दुष्ट के स्वभाव में कुटिलता रहती है, उसके कारण वो लोगों को सताता है। चिंता भी सताया करती है। तो हरी बरी लह लहाती आशा बरी दौड़ धूप या प्रयत्न के समान है। जैसे मनुष्य किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए लोगों के पास आता जाता भागता फिरता है, यदि उस प्रयत्न के सफल होने की संभावना हो तो उसमें रस का अनुभव होता है, मनुष्य पकता नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जब कभी सफलता की आशा भी दिखाई देने लगती है, पुनः तो मरु मरीचिका की कांपती लहर के समान है। ग्रीष्म ऋतु में जब मरुस्थल में या अन्यत्र खुले प्रदेश में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर से लगता है कि पानी का सागर हिलोरें ले रहा है। पानी का प्यासा उसकी ओर दौड़ता है, परंतु उसे निराशा ही मिलती है। इस प्रकार चिंता ऐसी चीज है, चिंता करने वाला केवल पीछे हुई हानि की ही नहीं सोचता है अपितु सुनहरे भविष्य के कयाली पुलाव भी बना। इसलिए चिंता को मरमरीचिका की कांपती लहर का स्वभाव ही चलता रहता है। चिंता में एक के बाद दूसरा ख्याल बदल बदल कर आता रहता है। देखिए आगे, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहां नहीं कुछ तेरा काम। अरे चिंता तेरे एक नहीं अनेक नाम है, जिससे तू लोक में अपना घर किए रहती है। कई नामों से लोगों को चलती है, कहीं तू बुद्धि के रूप में
स्थान बनाती है, तो कहीं मनीषा बनकर, कहीं मति तो कहीं आशा और कहीं चिंता के रूप में रहती है। इस प्रकार तेरे कितने नाम हैं जिनसे तू लोक को चलती है। तू पाप या अपने आप में बुराई है। तू यहां से चली जा, मुझे मत सता, तुझसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार देवताओं के सुगंध भरे वस्त्रों से भी आनंदमय जीवन के उद्गार से निकलते थे, मधुमय विशेषण जीवन के साथ जोड़ना है। अन्य अर्थ हैं देवों के उल्लास भरे आनंदमय उच्छ्वास निकलते। यहाँ अर्थ है कि वे जो विचार प्रकट करते उनमें जीवन की आनंदमयता ही सूचित होती थी। किसी प्रकार के कष्ट या चिंता का उसमें लेश भी ना होता था। उनका समय आमोद प्रमोद में बीतता था, जिसमें होने वाला शोरगुल देवताओं के सुखों की स्थायिता पर भरोसे को सूचित करता था। यहाँ आमोद प्रमोद में मग्न देवताओं का शोरगुल यह सूचित करता था कि उनके ये सुख हमेशा बने रहेंगे, उनके नष्ट होने की देवताओं को तनिक भी आशंका ना होती थी। कुसमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब तीन। यहाँ अब अतीत के बारे में सोच अनुभव कर रहे कि अरे किले सुमनों से भरे लता कुंजों में प्रेमी प्रेमिकाओं के वे प्यार भरे आलिंगन, जिन्हें करते समय शरीर में हर्ष के रोमांच खड़े हो जाते, अब सदा के लिए लुप्त हो गए हैं। देव युगल उपवनों में जाकर संगीत का आनंद लिया करते थे। वे मूर्छना वाले संगीत के आलाप अब शांत हो गए हैं और ना अब कहीं बजती वीणा का शब्द ही सुनाई पड़ता है। इस प्रकार मनु अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं। उस समय देवता लोग अपनी प्रेमिकाओं के साथ उपवन में जाते थे, वहाँ गाना बजाना होता था और जब उनका राग प्रबल हो जाता तो वे लता कुंजों में घुसकर आलिंगन पाश में बंध जाते थे, पर ये सब सुख प्रलय की बाढ़ में लुप्त हो गए हैं। देखिए अब ना कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरमित बाप, बुज मूलों में शीतल वसन की व्यस्त ना होती है अब माप। आज प्रेमिकाओं के कपोलों पर प्रेमियों के मुख की छाया के समान सुगंधित बाप चुंबन के समय नहीं पड़ती, ना ही आलिंगन में ढीले किए वस्त्र का विस्तार बिखरता है। यहाँ इसका कहने कवि का कहने का आशय यह है कि ना आज वे प्रेमी युगल बचे हैं जो रागातिरेक से परस्पर चुंबन किया करते थे। प्रेमिका के कपोल दर्पण की भांति उज्जवल होते थे। चुंबन के समय मुख की सांस गाल पर पड़कर छाया सी दिखती थी। यह इस प्रकार आगे ऐसे बताते हैं कवि, वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाए बनी श्रृंखला जकड़ी जिसमें विलासनी सुरबाला। देखिए यहाँ स्मृति पथ में जैसे मनु स्मृति पथ में सोच रहे कि वे अद्भुत सदाबहार फूलों से जो कि फिर मुरझाते ही ना थे, सुगंधित रत्नों से बनी सुंदर मालाएं जिनसे देवांगनाएं श्रृंगार किया करती थी, अंत में जंजीर बन गई जिनसे बंधी हुई वे कामिनियां प्रलय के समय अपने आप को छुड़ा भी ना सके। उनका बनाव श्रृंगार उनके लिए ही विपत्ति बन गया है। यहाँ देखिए श्रृंगार के लिए माला बनाने की प्राचीन विधि है। माला में बीच बीच में रत्न और मोतियां व चमेली के फूल गूंथ कर हार बनाए जाते थे, जिनसे स्त्रियां केशों को सजाती थी और गले में ही पहनती थी। यहाँ इस प्रकार इन पंक्तियों में मनु के माध्यम से अपने अतीत के माध्यम से देवताओं के अतिशय वैभव और भोग विलास ही विनाश का कारण बना, यह भाव स्पष्ट हो गया है।
अंधकार में मलिन मित्र की, मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त ते गनी काली माँ स्तर स्तर जमती पीन हुई। देखिए अब उन चारों ओर छाए अंधेरे में सूर्य फीका पड़ गया था, धीरे धीरे उसका प्रकाश सर्वता दिखना बंद हो गया। वरुण अपने कार्य जल वर्षा में लगे हुए थे। इस प्रकार चारों ओर फैले अंधेरे की काली छाया तहो या परतों के रूप में जमती जमती मोटी हो गई है। और यहाँ देखिए, हम यहाँ जयशंकर प्रसाद जी आगे इस चिंता सर्ग के माध्यम से और ऐसे सूर्य का प्रकाश लुप्त होने का क्रमिक स्वरूप स्वाभाविक ढंग से दिखाया है। यहाँ कवि जानबूझकर मित्र और वरुण की चर्चा भी की है। मित्र और वरुण को मनु उच्च शक्ति स्वीकार करते थे। वे दोनों प्रकाश और अंधकार के प्रतिनिधि कर्म सर्ग में कहे हैं। प्रलय के अवसर पर मित्र की शक्ति क्षीण हो गई और वरुण ने प्रलय को बढ़ाया है। और आगे इस सर्ग में और देखिए और आगे क्या बता रहे जयशंकर प्रसाद। उस प्रलय सागर में हिलोरे ऊपर उठती हुई आकाश को चूम रही थी, अनगिनत बिजलियां चमक कर अपना नाच कर रही थी, जहरीले मेघ द्वारा बरसाई गई बड़ी जड़ी या मूसलाधार वर्षा में पड़ी पानी की बूंदें बुलबुलों के रूप में अपना संसार बनाती थी। देखिए यहाँ मेघ को ऐसे विशेषण दी, गरल विष कहते हैं। विष का कार्य प्राण हानि करना है। विष का एक अर्ध पानी भी है। मेघ के द्वारा जो बरसाया गया पानी सृष्टि के लिए विष या जहर ही सिद्ध हो रहा है, इसलिए मेघ का यह विशेषण उपयुक्त ही है। प्राकृत की एक गाथा में भी मेघ को सर्प बताकर उसके द्वारा बरसाए गए पानी को विष भी कहा। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण से घने कुहासों की थी वृष्टि। यहाँ भी देखिए, अब तक जिधर भी आंखें दौड़ाई जाती थी उन्हें मृत्यु के समान ठंडा अर्थात उत्साह रहित और निराश पूर्ण आलिंगन ही पा। महान आकाश से महाभूतों के टुकड़ों के समान घना कोहरा बरस रहा था। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी चारों ओर अंधकार ही था। जिधर भी नजर दौड़ाई जाती थी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जैसे मृत्यु के समय वातावरण सुनसान चुपचाप और कुछ दौड़ धूप की गर्मी नहीं होती, प्रिय के आलिंगन में प्रेम की उष्णता का अनुभव नहीं हो, दृष्टि को भी किसी वस्तु का स्पर्श नहीं मिल रहा था। वर्षा बंद होकर यदि आकाश में कोहरा छा जाए तो यह धूप निकलने का संकेत होता है। इस प्रकार यद्यपि अंधकार ज्यों का च्यों था, तदापि वर्षा के स्थान पर अब चारों ओर धुंध बरस रही थी। यहाँ भारतीय दर्शन के अनुसार दृष्टि का उसके विषय मेल होता है। तभी मैंने यह देखा ऐसा ज्ञान होता है, इस विषय स्पर्श को ही कवि ने आलिंगन शब्द से निर्दिष्ट किया है। अब लगभग चिंता सर्ग के अंत तक आते आते देखिए, बाष्प भना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संगात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। यहाँ इसमें बता रहे देखिए कवि सर्ग की समाप्ति के साथ साथ प्रलय काल के अंत की भी इसमें सूचना दे रहे हैं। कवि का आशय है कि प्रलय का जल प्रवाह कम होने लगा, या तो पानी उतर रहा था अथवा वो भयंकर जल राशि बाप बनकर ऊपर उड़ रहा था। ग्रह मंडल की स्थिति लौट आने की थी। पहले तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु अब ग्रह नक्षत्र तारे सब पुनः निकल आए थे और प्रलय की रात बीतने लगी थी तथा प्रभात निकलने वाला था। काव्यशास्त्र का नियम है सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाय सूचनम् भवेत्, अर्थात महाकाव्य में सर्गों की समाप्ति पर
अगले सर्ग की कथा की सूचना देनी चाहिए। अगले सर्ग में रात्रि के अंत के साथ सृष्टि के नवोदय और जीवन की आशा का संचार वर्णित है। उसका संकेत प्रलय रात के अंत से यहाँ दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।